आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप किसी न किसी के कहानी में बुरे जरूर होते हैं। कोयला और मनुष्य दोनों की जलन तब शांत होती है जब वह स्वयं राख हो जाए। किसी को बांध सकूं ये हक तो नहीं है मेरा, खुद को आज़ाद कर लूं ये फैसला ले लिया। रिश्तों को प्यार की धूप न दिखाई जाए तो अक्सर तकरार की सिलन उनमें घर बना लेती है। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो, जीवन का सही आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना जरूरी है। जीवन में तीन चीज़ें जरूर हासिल करें, विश्वास, संतोष और स्वास्थ्य, क्योंकि विश्वास सबसे अच्छा संबंध है, संतोष सबसे बड़ा धन है और स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। अगर कोई आपका दिल दुखाए तो बुरा मत मानना, क्योंकि जिस पेड़ पर अधिक मीठे फल होते हैं उसको सबसे अधिक पत्थर पड़ते हैं। उम्मीद कभी संसार से नहीं बल्कि संसार को रचने वाले से रखनी चाहिए। जिसने अपनों को बदलते देखा है वह जिंदगी में हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। जज्बात वहाँ जाहिर करो जहाँ उसकी कदर हो, क्योंकि आँख से गिरा आंसू भी लोगों को पानी लगता है। इस दुनिया में आए हैं तो यह हुनर भी सीखना होगा, सिर्फ दुश्मनों से ही नहीं अपनों से भी संभल कर रहना होगा। अच्छाई करते वक्त बदले में कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि अच्छाई का बदला इंसान नहीं ईश्वर देते हैं। कर्म कोई भी करो लेकिन हमेशा एक बात याद रखो कि परमात्मा हमेशा ऑनलाइन है। जिंदगी एक प्रतिध्वनि है, सब कुछ वापस आ जाता है, मर्जी आपकी आप वापस क्या पाना चाहते हैं। खुद पर विश्वास रखोगे तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब घड़ी दूसरे की होगी लेकिन समय आपका होगा। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। कल एक इंसान रोटी मांग कर ले गया और करोड़ों की दुआएं दे गया, पता ही नहीं चला कि गरीब वो था कि मैं। जिस घाव से खून नहीं निकलता समझ लेना वो जख्म किसी अपने ने ही दिया है। खुशियाँ तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है। आप और तुम में बहुत फर्क होता है, आपके सामने दुख बयान नहीं किया जा सकता लेकिन तुम के सामने दिल खोल के रख सकते हैं। इतने भी अच्छे कर्म कर लो तारीफ तो शमशान में ही होगी। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन एक दिन रोएगा। रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, जीतते वो ही लोग हैं जो सही वक्त पर गियर बदलते हैं। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये सब आभूषण ही बनते हैं। नए रिश्ते ना बने तो मलाल ना करना, पुराने रिश्ते टूट ना जाए बस इतना ख्याल रखना। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। बात करने का मजा तो उन लोगों के साथ आता है जिसके साथ बोलने से पहले कुछ सोचना ना पड़े। पहाड़ों की तरह खामोश है आजकल के संबंध और रिश्ते, जब तक हम इधर से पुकारे नहीं उधर से आवाज़ ही नहीं आती। जिंदगी में पराया कोई नहीं होता, ये सिर्फ मन का वहम है। भरोसा रुका तो इंसान पराया और सांसें रुकी तो शरीर। मतलबी रिश्ता कोयले की तरह होता है, जब गर्म होता है तो हाथ जला देता है, जब ठंडा होता है तो हाथ काले कर देता है। सच और झूठ बोलने वाले चेहरे को परखना सीख लो, क्योंकि यहाँ लोग झूठ भी बहुत सफाई से बोलते हैं। उम्र भर इंसान यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। कुछ लोग जिंदगी होते हैं, कुछ लोग जिंदगी में होते हैं, कुछ लोगों से जिंदगी होती है और कुछ लोग होते हैं तो जिंदगी होती है। मुंह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन, शोरगुल के बाजारों में खामोशी को पहचाने कौन। खुद में झांकने का साहस होना चाहिए, दूसरों की शिनाख्त में तो हर शख्स माहिर होता है। जिंदगी में जब भी आप टूटने लगो तो सब्र जरूर रखना,
क्योंकि जो बिखरता है वही निखरता भी है। चाय और चरित्र जब भी गिरता है तो वह ऐसा दाग लगाता है कि धोने से भी नहीं जाता। खुशियाँ तो पराई होती है, सब में बांट दी जाती है। दर्द सिर्फ अपने होते हैं, इसे दिल में रखने पड़ते हैं। मौन किसी इंसान की कमजोरी नहीं बल्कि उसका बड़प्पन होता है, वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। ना तेरी शान कम होती ना रुतबा घटा होता, काश जो गुस्से में कहा वही हंस के कहा होता।